हाय फ्रेंड्स, दिस इज अनामिका हेयर एंड वेलकम बैक टू एंजॉय योर पैशन। और वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ ये मैं हिबिस्किस के फूलों के साथ। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आप मेरे हिबिस्किस के फ्लावर के पेटल्स को देख के पता लगा रही हैं, ये थोड़े से मुरझा गए हैं और मगर अभी भी ये बहुत अच्छा ब्लूमिंग कर रहे हैं। उसके साथ मैंने ये नया पौधा ऐड किया अपने गार्डन में, वेडनरी, बहुत ही अच्छा ग्राउंड कवर है और ये हैंगिंग के लिए भी बहुत अच्छा पौधा है। और उसके साथ मैंने यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ ये डॉग फ्लावर जो कि अभी तक फ्लावरिंग कर रहा था, अभी बंद हो गया है। कैलेंचो भी अब बंद होने वाला है मगर तभी भी रंग बिखेरे हुए, इसको मैं अब कटिंग करके साइड करने वाली हूँ। उसके साथ चलिए और दिखाती हूँ कि मैंने अपने गार्डन में कौन कौन से मई के महीने में फ्लावर्स खिल रहे हैं। या मैंने बहुत सारे जीनिया लगा के रखा है गर्मियों के लिए। जीनिया बहुत ही अच्छा फ्लावर है, इसको आप छोटे छोटे कंटेनर्स में भी लगा सकते हैं, इसका रूट ज़्यादा डीप नहीं जाता है, ये ब्लूम करता है तो बहुत अच्छा लगता है। उसके साथ मैंने पर्सलिन भी लगा के रखा है और गर्मियों के लिए बहुत हार्डी पौधा होता है विंका। विंका बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं, बहुत सारे कलर्स में, हाइब्रिड कलर्स में ये अवेलेबल रहता है। उसके साथ पोर्टुलोका या फिर मॉस रोज मैंने बहुत सारे छोटे छोटे कंटेनर्स में, डब्बों में बहुत सारे लगा के रखा गर्मी के लिए, आपके घर में रंग ही बिखेरता है। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ अपना रोज़ का कलेक्शन। रोज़ भी बहुत ही प्यारा फ्लावर है और ये अभी मगर इसको प्रूनिंग करना है मुझे, क्योंकि अब देखिए ये थोड़े साइज में आप छोटे छोटे हो गए और इसके पेटल्स भी जलने लग गए क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा है। वैसे तो मैंने अपने सारे गमलों को शिफ्ट कर दिया है ऐसे एरिया में जो कि ईस्ट फेसिंग है और यहाँ पर थोड़ा हीट कम आता है, सुबह का 2 घंटा ही आता है तब भी हीट आता है। और ये जो रोज़ है मेरा, इसमें इतनी सुंदर फ्रेग्रेंस है कि ये मेरा फेवरेट रोज़ है और आपको दूर तक इसकी महक सुनाई देगी। पीछे से आप देखिए मेरे, और ये आप देख रहे हैं प्लूमेरिया। प्लूमेरिया समर के लिए बहुत ही प्यारा पौधा है, ये आपके गार्डन में रंग के साथ साथ फ्रेग्रेंस भी बिखेरता है। प्लूमेरिया बहुत सारे वैरायटीज में आता है। और ये जो मैंने लगाया हुआ है ये मेरा जस्ट कटिंग है, अक्टूबर में मैंने ये कटिंग लगाया था, आप देख सकते हैं कटिंग से, और अभी ये फ्लावरिंग भी स्टार्ट कर दिया। जितने भी मैंने 5 ही पौधे लगाए थे प्लूमेरिया का और सारों ने अपना फ्लावरिंग स्टार्ट कर दिया है और ये बहुत अच्छी खुशबू देता है। उसके साथ मेरे गार्डन में अभी भी खिला हुआ है बिगोनिया। बिगोनिया की फॉलेज मुझे बहुत पसंद है और ये पौधा मुझे बहुत पसंद है, विंटर का पौधा है मगर अभी भी ये फ्लावरिंग दे रहा है थोड़ा थोड़ा। और उसके साथ मैं आपको दिखाती हूँ ये मेरा अपराजिता का पौधा। अपराजिता का जो पौधा है ये मेरा मल्टी पेटल पौधा है और ये 3 साल पुराना पौधा है और देखिए इतना सुंदर इसका रंग है, ये मेरा फेवरेट पौधा है। इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं, सिंगल पेटल भी आते हैं और ये जो मैंने एक पॉली बैग में लगा के रखा हुआ है और कितने अच्छे से ब्लूम कर रहा है देखिए, ये बहुत ही प्यारा अपराजिता का पौधा है। इसका कलर एकदम आँख को शाइनिंग दे देता है और ये देखिए इसका सिंगल पेटल भी मैंने लगा के रखा है और ये बहुत सुंदर मेरे गार्डन में रंग भी करता है। इसे नीलकंठ बोले जाते हैं इसके नीले रंग के कारण और ये देवी माँ को चढ़ाया जाता है, बहुत शुभ पौधा है। उसका ये वाइट कलर को बोला जाता है शंखपुष्पी भी ये बोला जाता है, बहुत सारे नामों से बोला जाता है अपराजिता, शंखपुष्पी इसलिए बोला जाता है क्योंकि देखिए शंख की तरह इसका वाइट कलर और बनावट भी शंख की तरह होता है। और मैंने आपको बताया था मॉस रोज मैंने हर जगह डब्बों में लगा के रखा है, जितना भी मेरा पेंट का डब्बा है चाहे बॉटल होते हैं तो ये आप इसको बहुत आसानी से कटिंग के थ्रू लगा सकते हैं। ये सारा मैंने कटिंग के थ्रू लगाया है, एक छोटा सा कटिंग लेके आ जाइए और आप उसको मिट्टी में लगाइए, बेल्ट सोइल में लगाइए और ये देखिए मेरा इतना अच्छा फैल गया। सारा मैंने पेंट के कंटेनर्स में लगाया हो और यहाँ पर ये बेबी कलर वाला देखिए, ये पर्सलिन देखिए बहुत ही प्यारा इसकी खुशबू है, इसका कलर है बेबी पिंक कलर। इसमें वैसे खुशबू नहीं होती है मगर इसका कलर इतना प्यारा है कि पूरा गर्मी में आपका घर में ये बहुत सुंदर रंग बिखेरता है। उसके साथ मैंने ये देखिए मेरा विंका मैंने इधर उधर हर जगह लगाया हुआ और ये विंका देखिए मेरा थोड़ा सेडेड में है और ये वेरीगेटेड इसका लीव्स है और इसमें बहुत सुंदर डबल कलर में और वेरीगेटेड टाइप का इसका लीफ है और फ्लावर भी उसका ऐसे ही आता है, पता नहीं है कैसे अपने आप से म्यूटेट होके बन गया। ऐसा मैंने पौधा नहीं खरीदा था मगर ये अपने आप से मेरे घर में म्यूटेशन होके बन गया होगा। उसके साथ मैं इसका और भी कलर्स दिखाती हूँ, ये हाइब्रिड वैराइटीज़ में आता है तो ये आप देख रहे हैं बहुत सुंदर मैजेंटा कलर में, बीच में वाइट आपको दिख रहा होगा और ये आपको दिख रहा है बीच में मरून कलर। इसके साथ मैंने देसी वैराइटीज़ भी लगाई हैं और इसके बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कैंसर में होती है और डायबिटीज़, बहुत सारे शुगर में ये यूज़ होता है। और ये वाइट और जो पिंक होता है ये देसी वैरायटी होता है और ये जो रेड है और पर्पल है, रानी कलर है, बेबी पिंक कलर, ये सब हाइब्रिड में आता है
और उसके साथ ये देखिए कैना लगाया है। यहाँ पर मैंने अपने गार्डन को साफ नहीं किया हुआ है, माली नहीं बुला पा रही हूँ, लॉकडाउन का पीरियड है। और ये आपको दिख रहा होगा मेरा 4 o'clock प्लांट, और ये बहुत ही सुंदर, जब सारे पौधे आपके शाम को जब मुरझाने लगते हैं तो ये जो पौधा, ये बहुत ही अच्छे से आपके गार्डन में रंग बिखेरता है, बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्डी पौधा है। और ये आपके घर में एक बार आ जाएगा, फिर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप से ही अपने सीड के थ्रू गिर गिर के बहुत सारे पौधे, ढेरों पौधे आपके बेबी पौधे बना के दे देगा। काली मिर्च की तरह इसके पौधे बीज होते हैं, और ये देखिए कितने सारे पौधे खुद ही गिर गिर के जमे हुए हैं। और अभी मेरा गार्डन जो है ना वो थोड़ा जंगल जैसा बन गया है, क्योंकि इसको सफाई नहीं हो पा रहा है लॉकडाउन के कारण, और बहुत सारे काम हो जाते हैं तो मैं भी नहीं कर पा रही हूँ, एक दिन करूँगी। और ये मैक्सिकन पिटूनिया देखिए आप, इसके बहुत सारे कलर आते हैं, ये पर्पल है और एक वाइट है, और ये बहुत सुंदर गर्मी का पौधा है। ये भी थोड़ा दोपहर तक रहता है, उसके बाद मुरझा जाता है, मगर जब ये खिलता है बंचेस में तो इतना प्यारा लगता है। अभी थोड़ा कम खिला हुआ है, जब खिलता है तो बहुत प्यारा पौधा है। साथ में गर्मियों का सबसे प्यारा पौधा होता है कॉस्मोस, जो कि बहुत सुंदर कलर वराइटीज़ में अवेलेबल होता है, सालों भर आपके घर में फ्लावरिंग करता है, साल भर। अभी छोटे डॉर्फ वराइटी में फूल रहा है, बाद में ये लॉन्ग वराइटी में भी फूलता है दिवाली के समय। और ये एलमेंडा का पौधा देख रहे हैं मेरा, जो कि डॉर्फ वैरायटी है, इसकी वाइन होती है, मगर मेरे पास ये डॉर्फ वैरायटी है येलो वाली, और भी कलर्स में अवेलेबल होता है, और ये विंटर में डोरमेंसी में जाता है। अभी समर ही इसका पीक सीजन होता है फ्लावरिंग का। और ये देखिए क्रिसैंथेमम, गर्मी आ गई मगर अभी भी ये सेकेंड फेज खिलना चालू हो गया, और कवलियाँ भी अभी निकल रही है, जहाँ प्लूमेरिया आपका गर्मियों का फ्लावर है, और तो ये दोनों एक विंटर भी खिल रहा है गर्मियों में और प्लूमेरिया भी खिल रहा है। फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने गिन के फ्लावर्स तो नहीं किए, और भी मेरे गार्डन में बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स खिले हैं, और आप भी चाहते हैं कि आपके घर में बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स खिले, तो आप भी अपने घर में पेड़ पौधे लगाइए, किचन गार्डनिंग करिए, और बहुत सारी तितलियाँ बुलाइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करना।